राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। राणा राजपूताना, राणा राजपूताना। जय श्री राम जी की भाइयों, जय मां भवानी। भाइयों, मैं आज आप सभी को एक ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग बताने जा रहा हूं जिसमें एक महान छत्रानी ने अद्भुत देशभक्ति का प्रमाण दिया था। बात सन 1653 के आसपास की है, जब मुगल शासक औरंगजेब का हिंदुस्तान की सरजमी पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान की बहुत सी सल्तनत मुगल या दास्ता स्वीकार कर चुकी थी। तब हिंद की एक छत्रानी ने देशभक्ति की वह मिसाल कायम की जिसे चंद शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। वह छत्रानी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी उतरा नहीं था, जिसके विवाह को हफ्ता भर ही हुआ था, उसने अपने पति को सिर्फ इसलिए अपना शीश काट कर निशानी के तौर पर भेज दिया ताकि उसका पति पत्नी मोह त्याग कर मातृभूमि के लिए युद्ध भूमि में साहस और वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान छत्रानी हाडा रानी की। मातृभूमि के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया उसके लिए उन्हें पूरा देश कोटि कोटि नमन करता है। हाडा रानी बूंदी के शासक की बेटी थी और उदयपुर के सलुम्बर ठिकाने के रावत रतन सिंह चुडावत की रानी थी, जिनकी शादी का गठजोड़ा खुलने से पहले ही उनके पति रावत रतन सिंह चुंडावत को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा करने के लिए युद्ध का फरमान मिलता है। परंतु नई नई शादी होने कारण और अपनी रूपवती पत्नी को छोड़कर रावत चुंडावत का तुरंत युद्ध में जाने का मन नहीं हो रहा था। जब यह बात हाडा रानी को पता लगी तो उन्होंने तुरंत रावत जी को मेवाड़ की रक्षार्थ जाने और वीरतापूर्वक युद्ध करने का आग्रह किया। युद्ध में जाते समय रावत चुंडावत पत्नी मोह नहीं त्याग पा रहे थे तो उन्होंने अपने सेवक को रानी के रणवास में भेजा और उन्हें रानी की कोई निशानी लाने को कहा। सेवक महल पहुंचा और रानी से कहा कि महाराज, आपकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। सेवक के निशानी मांगने पर हाडा रानी ने सोचा कि कहीं पत्नी मोह में महाराज युद्ध से विमुख न हो जाए और अपनी वीरता प्रदर्शित न कर पाए। इसी आशंका के चलते हाडा रानी ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी निशानी देती हूँ, मगर उस पर किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए, वो आप सीधा महाराज को ही सौंपेंगे। तब इस वीर देशभक्त छत्रानी ने अपना शीश काट कर ही निशानी के तौर पर भेज दिया और साथ में एक पत्र भी भेजा जिसमें लिखा था कि महाराज, मैं आपको अपनी सबसे अनमोल निशानी भेज रही हूँ, अब आप बिना किसी भय के अपनी मातृभूमि के लिए अपना शौर्य दिखाएं। तब रावत रतन सिंह चुडावत ने अपनी पत्नी का कटा हुआ शीश गले में लटकाकर औरंगजेब की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। इस ऐतिहासिक प्रसंग से ये तो पता लगता है कि वीरता और स्वाभिमान तो क्षत्रिय खून की बूंद बूंद में भरा पड़ा है। मैं हाडा रानी और उनकी जैसी और भी वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के इतिहास को गौरवशाली बनाया है, मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से यह पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित महसूस करता है। हाडा रानी ने सच में देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी तक हमारा गौरवशाली इतिहास पहुंच रहा है। ठीक है भाइयों, जय श्री राम जी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत माता की। हर हर महादेव।